हम लोग मिस्टर अमर जी के साथ आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 सेकेंड फेज 16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का लाइव एग्जाम रिव्यू एनालिसिस आईओएन डिजिटल एवं धनबाद झारखंड से लेकर के आ चुका है। तो बताइए पांडे जी, कैसे आज के पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, पेपर तो वैसे बहुत अच्छा था। हाँ, मतलब हो गया जनरल नॉलेज वगैरह तो सही था सब कुछ, अगर जाने तो अच्छे से दे सकते हैं। हाँ, उसके बाद आपका रीडिंग है थोड़ा, वो मतलब बेसिस है आपका बेसिक पे। हाँ, ठीक है, तो वो भी अच्छा ही है, मतलब अप्रोक्स से अच्छा ही गया शिफ्ट, आज का शिफ्ट अच्छा ही था। जीके वगैरह मतलब अच्छा ही था जो पूछा गया था ऊपर से। उसके बाद अच्छा गांधी जी से ही बस पास में एग्जाम हो गया ना, आइए पेपर रिव्यू दे दीजिएगा। हाँ, गांधी जी से ही 2-3 क्वेश्चन आए थे और फिर झारखंड से भी जैसे बोकारो हो गया अच्छी सिटी, मतलब उनका सहयोग मतलब कहाँ से किया गया सो आया था। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे रीनी का हो गया, रीनी का अच्छा ही था बेस, ज़्यादा नहीं मतलब, और पूछा गया था सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह से तो मिला के सही था। हाँ, तो आप ये बताइए कि फर्स्ट फेज से कुछ अंतर देखने को मिला सेकंड फेज में? जी जी, फर्स्ट फेज आज तो फर्स्ट सिटिंग तो अच्छा ही था। हाँ, मतलब आज पूछा गया जैसे बीच में उधर थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ, बट आज तो शिफ्ट अच्छा ही था। अच्छा, जैसे पूछा गया आज के मतलब शिफ्ट। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? जी मैंने 80। उसमें कितने सही हो जाएंगे, कितना नंबर आ जाएंगे? ये प्रयोग तो हो जाना चाहिए, अगर कट ऑफ चले जाए तो 70 तक तो हो जाएगा, 70 सही हो जाएगा। कौन से बोर्ड से फॉर्म भरा अपना? आरआरबी जी, आरआरबी कोलकाता से। आरआरबी कोलकाता से। कितने अटेंडेंस कितने आज? जी अटेंडेंस वैसे अटेंडेंस तो ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक लेब में लगभग 20-25 तो ही होंगे। हाँ हाँ जी। करेंट अफेयर कुछ क्वेश्चन बताएंगे क्या? करेंट अफेयर? हाँ, करेंट अफेयर से जैसे पूछा गया था 2021 में, मतलब इसका संयुक्त है वो कहाँ पे रखा गया वो पूछा गया था। हाँ, और आपका हो गया फिर 20 से पूछा गया था। हाँ, बीस से था एक पुरस्कार, मतलब याद नहीं आ रहा। तो अच्छा, जैसे कि अभी हाल ही में जो देश में घटनाएं घटी हैं, जैसे कि बिहार का इलेक्शन हुआ या अमेरिका का इलेक्शन हुआ, तो देश विदेश में जो भी घटनाएं घटी हैं और उससे रिलेटेड करंट से कोई क्वेश्चन पूछा गया क्या? क्या था क्वेश्चन? अच्छा, तो जो जनरल अवेयरनेस जो 40 नंबर का था उसमें करंट अफेयर के कितने क्वेश्चंस थे अप्रॉक्सीमेटली? 15-20 यानी कि करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा, स्पोर्ट्स वगैरह से बात करें, खेल से संबंधित कोई प्रश्न देखने को मिले? क्या था क्वेश्चन? क्रिकेट से था, फुटबॉल से था, फीफा वर्ल्ड कप से था, कॉमनवेल्थ से था, किस चीज़ से रिलेटेड था क्वेश्चन? किससे था? फुटबॉल से था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चन, मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, क्या था क्वेश्चन? चंद्रयान क्या था क्वेश्चन? चंद्रयान 1 मतलब कब उसका रिलीज किया गया था इसरो से, वो पूछा गया था। GSLV PSLV वगैरह से कोई क्वेश्चन, मतलब कि उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडियन लिटरेचर का, बुक्स एंड राइटर से कोई क्वेश्चन देखने को मिले, क्या था क्वेश्चन? जैसे एक नारद जय जवान जय किसान किसने बोला था? हाँ हाँ, वो क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लोक गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, इन सब से कोई क्वेश्चन? जी पूछा गया था आपका जो तलवार के साथ जो नृत्य करते हैं। हाँ, वो शायद हाँ वो कौन सा नृत्य होता है वो पूछा गया था। हाँ हाँ, तो उसमें सर था और उसमें नृत्य में तो वही था, एक था जो पीछे शायद वो पूछा गया था। अच्छा, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, मतलब कि आगरा हो गया, लाल किला हो गया, इन सबसे कोई क्वेश्चन? हाँ, तो वो पूछा गया था कि जैसे सबसे बड़ा जो गेट है इंडिया का वो मतलब कहाँ पे स्थित, वो कैसे मतलब बनाया गया? अच्छा जी, जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस से पूछा गया था जैसे आपका जी बायोलॉजी से पूछा गया था। हाँ, तो जो जनरल अवेयरनेस था उसमें जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन थे अप्रॉक्सीमेटली? 4-5 सर, मेरे पुराने शिफ्ट में थे, आज मेरे नहीं था एग्जाम। अच्छा, मेरा हो चुका है। हो चुका ना। हाँ, तो पूरा मतलब कि 4-2 आज कितने क्वेश्चन देखने को मिले? आज वही अप्रोक्स सेम ही रहता है हर शिफ्ट में, ट्रेंड वही चल रहा है, मतलब 4-5 क्वेश्चन ट्रेंड वही चल। तो बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन आज देखने को मिले क्या? बायोलॉजी का क्वेश्चन था क्या था? ह्यूमन बॉडी से था, जानवरों से था, बीमारियाँ से था, पेड़ पौधों से था,
ह्यूमन बॉडी से ही था। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौटे? अच्छा ये क्वेश्चन हम याद करके आए हैं, बायोलॉजी का पूछा। अच्छा बायोलॉजी का और कुछ क्वेश्चन बताएंगे क्या? याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ ह्यूमन कितना अटेम्प्ट किया आप? हमने 61 उसमें से कितने सही हो जाएंगे? इसी मारे हमने सारे सही। कौन सा बोर्ड? बोर्ड हाँ कोलकाता जो आर आर बी कोलकाता। अटेंडेंस कितना अंदर में? अटेंडेंस तो ठीक ठाक है। करंट अफेयर को कुछ क्वेश्चन बताएंगे क्या? जैसे कि हम लोग बात करते हैं संविधान वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने को मिला हो? नहीं नहीं संविधान से कोई आज वाले में संविधान से भी क्वेश्चन नहीं था। संविधान से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट राज्य की राजधानी मुख्यमंत्री गवर्नर क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र और गुजरात कब बना था। हाँ हाँ ये क्वेश्चन था। मेरा में था। अच्छा था। आपको भी झारखंड और उड़ीसा पूछा था। मतलब लिंकअप कर रहा है। क्वेश्चन लिंकअप है। मतलब जिस ट्रेंड वही है। ट्रेंड वही है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको उस टॉपिक को पूरा कवर अप कर लेना चाहिए। पूछा था कि यूएन के जो पुराने हेड थे बान की मून वो कहाँ के रहने वाले। तो आज यूएन से संबंधित कोई क्वेश्चन देखने को मिला? यूनेस्को WHO WTO आज एग्जाम था आपका। इधर आ जाइए थोड़ा यहाँ बीच में आ जाइए। यूएन का स्थापना वाला क्या क्वेश्चन था आज वाला? यूएन का स्थापना कब हुआ था? यूएन का स्थापना कब हुआ था? यूएन से संबंधित और कोई प्रश्न? नहीं बस और कुछ नहीं। परमाणु वगैरह पूछा था कि कब इसका स्थापना किया गया। अच्छा ये हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि आज के शिफ्ट में हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं। दो दो बराबर 49 एट बराबर 2 5 तो 12 बराबर क्या? 12 बराबर कितना नहीं होगा? उसमें से इनपुट डिवाइस कौन है उसमें दिया था, हेडफोन दिया हुआ था और फिर हॉटनेट या तो क्या क्या था वो भूल जा रहे हैं, लेकिन एक तो हेडफोन था। कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन थे टोटल? दो क्वेश्चन। एक तो वो वाला जो आप बता रहे, एक तो आप जो बता रहे। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सरकार की योजनाओं से संबंधित कोई प्रश्न? योजना एक था। योजना वाला क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन याद नहीं है। क्वेश्चन याद है आपकी भारत का सबसे पहला तो मतलब 16 अक्टूबर दिया था और कितना था ऑप्शन दिया हुआ था 1945 गुजरात में जब जीत हुआ था ना अकबर तो फतेहपुर सिकरी में कौन सा गेट बनाया था? बुलंद दरवाजा। वही वही बुलंद दरवाजा का एक्चुअली दूसरा नाम से क्या जाना जाता था? तो उसमें कश्मीर से रिलेटेड था। उसके बाद क्वेश्चन दो था। एक बोला था जब महात्मा गांधी जब पहला बार कांग्रेस मतलब कोई यूनिवर्सिटी में भाग लिए थे वो कहाँ पे था, और दूसरा था कि 1916 का जो अधिवेशन था एक गरम दल भाग लिया था ठीक है, और गरम दल के साथ कोई और कौन भाग लिया था? पार्टी बना था मुस्लिम लीग हो जाएगा मुस्लिम लीग। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन था एक अमेरिका से कोई साइंटिस्ट का मतलब था उसके नाम पे कोई सैटेलाइट छोड़ा गया था, बोल रहा था उस सैटेलाइट का मतलब उस साइंटिस्ट का नाम क्या जिसके नाम पे सैटेलाइट का नाम रखा गया? चंद्रयान वाला भी आता चंद्रयान इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन है? इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्स अप 1206 में शायद नोबेल मिला हुआ था, नोबेल पुरस्कार कब मिला हुआ था? अच्छा तो नोबेल पुरस्कार मिला था उसको उसका क्वेश्चन था ना घुमाना फिराना बात था, बोला इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था सीधा सीधे जे थॉम्स अप हो गया चंद्रयान वन पूछा गया था भारत और दूसरे देश के बीच में कौन सा थल सेना मतलब सेना नहीं लगा सीमा से श्रीलंका हो जाएगा। जो क्वेश्चन था कुछ लॉलीपॉप था, जो क्वेश्चन बहुत कुछ था ऊपर जा रहा ठीक है। देखिए उसके बाद सुनिए क्वेश्चन थोड़ा दिमाग में लेने दीजिए, हमको बहुत क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद आपको मैथ का जो क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो था सीधा सीधी दे दिया था मतलब कि हाँ सर इतना जानिए सर मतलब मिल जैसे मिल कुछ लड़का कुछ लड़की इतना दिन में काम करता है अब कुछ में आप एक्स वाई जेड में कुछ भर लीजिएगा अब फिर बोला था कि कुछ लड़का इतना दिन में मतलब दो इक्वेशन तैयार करेगा बोलेगा कि आप बोला कि एकली केवल लड़की जो कितना दिन में कर देगी पूरा सिंपल है तो इक्वेशन कर दे दो लड़का पांच लड़की छह दिन में काम करता है क्वेश्चन था कि इतना प्लस टाइम एंड डिस्टेंस से क्या था मालूम है सिंपल क्वेश्चन टाइम एंड कि कोई
40 किलोमीटर प्रति घंटा से घंटा चलता है और कुछ 40 के बाद 50 है वो 2 घंटा चलता है, 60 है वो 3 घंटा चलता है, इसका एवरेज पूछ लिया ठीक है सबको जोड़ दो। उसके बाद कुछ कुछ आपका मीन मीडियन मोड से जो क्वेश्चन था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था, लाइनिंग से दे दिया था, मतलब काफी कैलकुलेशन था, 2 क्वेश्चन था और दोनों का था डेविएशन निकालना था, मतलब सीधा सीधे होता है ना कि 4, 6, 5, 8 इस तरह दे उसके बाद डेविएशन पूछे, परास पूछे, रेंज पूछे, तो नहीं लेकिन उस तरह का नहीं था ठीक है, मतलब फुल कैलकुलेटेड नहीं माइंड आ जाए। उसके बाद आपको एज से को क्वेश्चन था, एज से को क्वेश्चन क्या था जैसे रिलेशन कैटेगराइज करना था ठीक है, मतलब रिलेशन वो भी सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद आपको उसके बाद साइंस से बिल्कुल भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं था, हम कह सकते हैं कि अगर साइंस से ओवरऑल बोला जाए तो वही जो 3 से 4 क्वेश्चन था ना वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और एक था 1.75 जीबी का कोई मूवी है ठीक है, तो वो दूसरे को शेयर कर रहा है तो 1 सेकंड में 2 MB जा रहा है तो वही टोटल कितना देर में जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है डिवाइडेड बाय 2 और उसको बोल दिया था कि आप एक मतलब लिया था 1 GB बराबर 1000 MB ले लीजिए और नीचे फिर 60 से डिवाइड करिए 14.36 था ठीक है। बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप, कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे, कहने का मतलब है ना कैलकुलेट कर सही था, कैलकुलेट सीधा आ रहा था 7 आ रहा था उसको आप सोल्व करिएगा 35 या 40 आंसर था। तो ऐसे तरह क्वेश्चन कह सकते हैं कि अगर हम बढ़िया अटेम्प्ट अगर बोला जाए ना वैसे हवा वाई तो 90-95 बहुत लोग अटेम्प्ट करने वाला है, जब अगर हम बोला जाए तो अगर बढ़िया बढ़िया लड़का है 70 to 75 क्वेश्चन ठीक है 70 to 75 क्वेश्चन अगर सेफ जोन अगर अटेम्प्ट वो कर रहा है ना, इसने का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत ही टफ सेट किया था, कोडिंग डिकोडिंग का हां कोडिंग डिकोडिंग जैसे कि कोई दिया था कि भूल करके दिया था और उसने कर दिया था क्या कि ओबे कोमा कोड गल तो बोले एक किस फिर काट दिया था बोले इसका क्या होगा तो कोई रिलेशन ही नहीं बन पाया। कोडिंग का क्वेश्चन था सब कुछ दे दिया था जिसमें जैसे डब्ल्यू ए समथिंग है कुछ का सबका इधर कोड दे दिया था ठीक है और एक में डी का कोड दिया 0.6 और उधर का कोड कहीं मिल ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल अनमैच्ड है, उतना टाइम तो सोचने का है नहीं अच्छा। क्योंकि एक बार देखने पूरा टाइम ही चल गया तो ग्राफ दिया था ऊपर में क्वेश्चन नीचे और वो भी टफ कैलकुलेटर फिगर वाला क्वेश्चन है, आप एक बार फिगर देखिए फिगर ऊपर गया फिर फिगर भूल जाइएगा ठीक है, तो कह सकते हैं कि फिगर एक बार स्केच करिए फिर अप करिए फिर करिए, मतलब क्वेश्चन इजी है लेकिन टाइम डबल ट्रिपल लग रहा है। कलम पेपर दे क्या करके दिखाइएगा, अरे क्वेश्चन ऐसे था ना जी ऐसे क्वेश्चन नहीं और भी पेपर है मेरे पास और जो मीन निकालने का दिया था क्वेश्चन उस पे था क्या डाटा दे दिया था जो टेबल वाला जो नहीं होता इस तरह का टेबल वाला उस पे एक्स का और उस पे फ्रीक्वेंसी का दे देता है कि 5 लोग का इतना इतना करके उसका मोबाइल रख लिया नीचे मोबाइल रख लिया क्वेश्चन जैसे देखिए मोड वाला 2 क्वेश्चन था 9th क्लास का जो स्टैटिक्स का है उसमें मोड निकालने का आता है मीन का उससे क्वेश्चन 2 2 दिया जो टफ था। इसमें इसमें समझाइए कैमरा में समझाइए थोड़ा लगा लो फिगर बना के हां वही देखिए देखिए यहां से कैमरा में दिखाइए ये वाला हार्ड वर्किंग था ठीक है ये हार्ड वर्किंग था और ये ऑनेस्ट था इंटेलेक्चुअल था और सब में लेटर दे दिया बोल सुनो नंबर बोला कि इंटेलिजेंट होना चाहिए हार्ड वर्किंग केवल नहीं होना चाहिए इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट होना चाहिए हार्ड वर्किंग और उसके बाद क्वेश्चन था साहित्य ऐसे करके 3 गो फिगर दे दिया था साहित्य लिख दिया था उसके बाद पद लिख दिया था अरे वो क्या याद मद कुछ और था नहीं मालूम है गद था और 3 गो इसे सीक्वेंस दे दिया था इसमें अरेंजमेंट करना था जो कि थोड़ा सा हमको नहीं दिमाग में आया ऐसा मैटर क्या है इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन था और इससे मतलब हाँ इस टाइप का 2 क्वेश्चन था और ये मतलब कह सकते हैं कि आप मतलब कथन कारण से क्वेश्चन भी था कथन कारण से भी 2-3 को क्वेश्चन था बोला था कि आतायात से रिलेटेड था बोला कि आतायात पे जो है आजकल बहुत ज्यादा दुर्घटना हो रहा है तो सरकार को क्या अटेम्प्ट लेना चाहिए पहला काम था कि पहला काम था कि सरकार को जो है वो पुराना जो भी मतलब गाड़ी का जो अपडेटेड नंबरिंग था उस पर काम करना चाहिए और एक दूसरा ऑप्शन था कि कानून सख्त लाना चाहिए तो आपको जो लगे क्योंकि आप इस टाइप का क्वेश्चन मारिएगा तो आपका नहीं होगा जो बोर्ड सोच रहा है अगर वो सोच लिए तो ठीक है नहीं तो गए जैसे कि सिलेबस में एक टॉपिक है स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन बस बस उससे 2-3 को चलता है स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन से एक था और एज ऑप्शन से एक था अच्छा
डीआई से दो ठो क्वेश्चन था तो वो दोनों में ऐसा था कि डीआई का ग्राफ ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन नीचे दिया तो फिर देखिए फिर ऊपर पढ़िए और जो मीन का क्वेश्चन दिया हुआ था सो टेबल बना हुआ था जैसे नाइन्थ क्लास में मिलेगा कि एक्स का दिया उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो उसका बताइए कि क्या होगा तो दोनों क्वेश्चन था जो कि टफ था नहीं बना हम लोगों से और टीएस का क्वेश्चन लेकिन हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में स्लिप कर सकता है। अच्छा ये बताइए जनरल अवेयरनेस जो 40 क्वेश्चन है हाँ 2016 का एक पैरा ओलंपिक्स पैरा एथलेटिक्स थी जो 2016 में कोई लड़की बना सी दिया आपको सीधा सीधे बोल रहे हैं मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन जो था कह सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन आप मैथ को टच नहीं कर सकते हैं 6 से 7 क्वेश्चन आप रीजनिंग को टच नहीं कर सकते हैं बाकी बात अगर आप जीके जीएस अगर लेने बढ़िया लड़का है तो 32-33 ठोक दिया होगा। अच्छा आप हमको ये बताइए कि जनरल अवेयरनेस जो सिलेबस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 30 मैथ 30 रीजनिंग 40 जनरल अवेयरनेस क्या करने का टाइम नहीं था लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली तो 40 नंबर जो जनरल अवेयरनेस का है इसमें करंट का वेटेज कितना है? करंट का वेटेज आज के वेटेज में कम था सर। कितना अप्रोक्सीमेटली? 2 से 3 क्वेश्चन था मात्र 2 से 3 क्वेश्चन और जनरल साइंस का? जनरल साइंस का 2-3 क्वेश्चन पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूरा सीधा सीधी पूछ लिया कि फलना चीज कब हुआ तो जनरल अवेयरनेस में कोई ये बार भी पूछ लिया क्या बोलते हैं रेडियो का इंटरनेशनल जो न्यायालय है ना अच्छा रेडियो वाला क्या मारे हम 36 मारे थे संचालन कब स्टार्ट हुआ रेडियो का पहली बार संचालन इंडिया में कब शुरू हुआ ये पूछा था और एक पूछा था जैसे इसी क्वेश्चन की कोर्ट ऑफ न्यायालय का जो है आईसीजी जो है वो कहाँ कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो आप मुझे ये बताइए कि एक मिनट सभी से एक सवाल है जनरल अवेयरनेस में कोई स्टूडेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए सीधा सीधी है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पढ़े मेरे समझ से जो है ना ज्यादा नौटंकी बात पढ़ाई ना करिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेस्ट तैयारी उसका इलैबोरेट करके बताइए इलैबोरेट करके अगर जनरल जो क्वेश्चन पूछा गया ना स्पीडी वगैरह में अभी के डेट में स्पीडी वगैरह को डीप डाइव मतलब हिस्ट्री में भी आप अंदर मत जाइए ज्योग्राफी में भी अंदर मत जाइए बस ऊपर से उठा उठा के देखिए सीधा सीधी अब जैसे स्टेट जब पूछ दिया था कि कौन स्थल सीमा से नहीं लग रहा है सीधा सीधी क्वेश्चन है इसमें डीप करने का जरूरत है ना पाकिस्तान दिया था म्यांमार दे दिया था उसका भूटान दे दिया था नेपाल दे दिया था श्रीलंका भी था तो श्रीलंका आप मार सकते हैं ठीक है तो सीधा सीधे जो पढ़ा है वो अच्छा तैयारी एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है कि अच्छा उसके बाद जो साइंस से बोले न्यूमेरिकल पूछे चाहे कुछ पूछे सब कुछ ऐसा पूछा नहीं गया था तो जनरल अवेयरनेस में से स्टूडेंट कहाँ से पढ़ाई करे कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए लुसेंट पढ़े बेस्ट है वो भी लुसेंट में डीप ना जाए अगर दिल्ली सल्तनत पढ़ना तो सीधा है कि दिल्ली सल्तनत में इससे कौन रिलेटेड शासक इससे कौन रिलेटेड शासक सिंपल को जाना है बस उससे ज्यादा डीप ना पड़े बुलंद दरवाजा से थोड़ा घुमाकर पूछा था कि अकबर ने गुजरात के अभियान में होकर एक बुलंद दरवाजा बनाया था उसका दूसरा नाम क्या है तो बुलंद दरवाजा ऑप्शन में था इस चीज का कोई रिलेशन से आपको नदी नहीं जानते क्वेश्चन को नहीं पढ़ते तो भी वो पता चल जाता है कि ये ऑप्शन यही बुलंद दरवाजा ही होगा 2011 में मतलब सबसे कम जनसंख्या हाँ तो जनसंख्या डेंसिटी पूछा था अरुणाचल प्रदेश और सबसे ज्यादा बिहार हो जाएगा अगर सबसे ज्यादा बोले तो बिहार मार दीजिए और जनसंख्या मारना है कम तो सिक्किम मारिए ज्यादा मारना है यूपी मारिए साइंस से था जो कि कपड़े में चिटचिचाहट आती और इलेक्ट्रॉन का उसका खोज किसने किया दोनों का किसने दिया इलेक्ट्रॉन हो गया था अच्छा एक क्वेश्चन और था जैसे कोई चार्ज वगैरह है तो उससे रिलेटेड था कि कौन ऐसा वैज्ञानिक है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन तड़ित झंझावत वगैरह तो सीधा सीधे हम लॉजिक से मारे क्योंकि तड़ित झंझावर का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन किया है जिसमें तांबा यूज होता है तो सीधे सीधे उस लॉजिक से उसी मारे हैं क्योंकि झंझावट वंझावट का शब्द आया था बाकी साइंटिस्ट हमको ना मालूम था बेंजामिन फ्रैंकलिन और ऊपर से एक और हिंट दिया था कि वो अमेरिका होना चाहिए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका का है भी। अच्छा अच्छा ये बताइए कि मतलब ये आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 72 किया। इसमें कितने सही हो जाएंगे? 4, 5, 8, 10 तो गलत हो सकते हैं लेकिन उतना ही तक जा ही सकते थे उससे ज्यादा तो हुआ ही नहीं। समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ वैसे सारा कर ले तो आराम से टाइम मैनेजमेंट निकाल सकते हैं ऐसे करेगा कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आप बताइए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बिना टाइम का तो बनने वाला है नहीं है ना और जो क्वेश्चन बन रहे पॉइंट वाइज करके दे दिया था जो मल्टीप्लाई करके बोल उसका बोले एक्स का वैल्यू क्या होगा नया व्यूअर उसको बोल दीजिए एलसीएम एचसीएफ देख ले टाइम एंड वर्क जो है उसको देख ले टाइम एंड डिस्टेंस देख ले। अच्छा एक क्वेश्चन था क्या मालूम है? हाँ एक क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन आया दिमाग में जब टाइम दीजिएगा सारा क्वेश्चन रिमाइंड में आ जाएगा। एक क्वेश्चन था कि
हाँ एक बेलन है, सिलेंडर है, उसके उसका उसका हाइट दे दिया था, उसका आर रेडियस दे दिया था, बोल दिया वो पानी से भरा है, समथिंग ऊंचाई तक भरा है, ऊंचाई भी दे दिया कि 9 तक भरा है, और उसके बाद बोला कि उसमें एक हम जो है घन जो है उसको डाल देते हैं, तो कितना उसका पानी ऊंचाई होगा, सीधा सीधे ऊंचाई से क्या फर्क पड़ेगा, जितना ऊंचाई था उसमें पानी डालेंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो एच उसको मान ले, हाँ तो एच एच को डिमांड करना था, उसका एंसर शायद हमको लगता है कि आ रहा था कुछ आ रहा था, मैं भी नहीं पता, 1.6 आ रहा था, 1.6 आ रहा था, अब 1.6 आ रहा था, मतलब सीधा सीधे बेलन का आयतन निकालिए, उसको एच रख दीजिए, अब मान लीजिए इसमें इतना पानी भरा और कोई चीज अगर डालेंगे तो इतना उठ जाएगा, तो वही एच मान लिया, और क्या बोलते हैं घन का आयतन के साथ उसको भागा कर दिया, आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन दिया था कि 3 क्यूब दे दिया था, उसको पिघला के एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है, 2 सेंटीमीटर तो ज्यादा साइड क्या होगा, 3-4 27 हो गया 64 हो गया, 125 हो गया, तो टोटल जुड़ेगा 216 हो जाएगा, और 216 अगर टोटल अब जोड़िएगा तो 6 का क्यूब हो जाएगा, तो 6 इसका आंसर हो गया। अब बोले ना क्वेश्चन आ जाएगा, सब हम बग देंगे क्वेश्चन। आपको लगता है काफी प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, पूरा फील करते हैं क्वेश्चन, फील लेते हैं, फील क्या करें भाई, जब हम सोचे तो 90-95 ठोकेंगे जैसा मार्केट में हल्ला था, लेकिन सच्चाई हल्ला कुछ नहीं है, गलत अगर अटेम्प्ट लेंगे तो जरूर क्या कहते हैं 90 के आसपास जरूर पार कर देंगे, लेकिन गलती मालूम है, पिछला बार का अटेम्प्ट बता रहे थे, पिछला बार का अटेम्प्ट बताते थे सर, आप बंदा जो था वो 90-95 अटेम्प्ट किया, जब कैलकुलेशन आ रहा 45-46। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? हम ज्यादा नहीं किए, 76 अटेम्प्ट किए हुए हैं। मैं भी लगता है कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो थोड़ा डाउटफुल मारे हुए हैं, जो कंप्यूटर का मेरे नॉलेज नहीं था, लेकिन कह सकते हैं एक बोला था कि आंसर क्या मारे थे, अच्छा एक बोला था कि मतलब पर्सनल कंप्यूटर है बता रहा सीपीयू, चलो हम भी मारे सीपीयू, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर बोला था ये सब में से क्या नहीं होगा आंसर, सुनिए उस देखिए पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बोला था एक रैम है, एक रोम है, एक सीपीयू है, एक होता है यूएसबी, तो यूएसबी था, हमको यूएसबी और सीपीयू में डाउट मार रहे थे, हम सोचे कि सीपीयू, हाँ तो यूएसबी है तो गलत है, सीधा सीधी बात है, नहीं वो चलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, हाँ तो उसका यूएसबी हम पूछा था इनपुट वाला, वही कंप्यूटर का एक दो मिस हो सकता है, कंप्यूटर से 4-5 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, सीपीयू लेकिन बड़ा कंप्यूटर में होगा ना, छोटा में तो नहीं होगा, क्या लगता है आपको, क्या क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बताइए, पर्सनल कंप्यूटर कौन सा इसमें से मतलब नहीं है, लेकिन एक बात ये भी जा सकता है सर, बिना सीपीयू का तो कोई चीज चलेगा नहीं, अच्छा क्योंकि वो ब्रेन है और वो हाँ, और चल जाएगा उसमें से एक से दो कंप्यूटर से एक से दो क्वेश्चन कितना जाएगा, एक्सपेक्टेड आज का यदि देखा जाए तो 65-70 के अराउंड रहने वाला, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। इनपुट डिवाइस वो क्या था, अच्छा इनपुट डिवाइस में जो था ना एक प्रोजेक्टर था, तो प्रोजेक्टर तो आउटपुट डिवाइस है, अरे भैया जो चीज दिख रहा है वो आउटपुट हो रहा है, सीधा सीधी बात है, अब हमको दिख रहा है आउटपुट है, ठीक है, तो MICR जो रीडर था मैग्नेटिक रीडर वाला वो था इनपुट डिवाइस था, वही वाला ही तो था, कौन वगैरह दिया हुआ था MICR, हां वही मान चल गया, वही ठीक था, वही ठीक है ना, कंप्यूटर का लगता है आपको नॉलेज है, मतलब उसका यूएसबी होगा, बिल किससे रिलेटेड होता है, ईवे बिल दिया था कि प्रीपेड पोस्टपेड बिल है, प्रीपेड है, वो लगाएंगे या ना लगाएंगे, वो चल जाएगा, जब जब ऑप्शन में इलिमिनेट करते गड्ढे में जाते हैं, लास्ट में इसीलिए अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए, हड़बड़ा ये बताइए कि आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो फेज 1 हुआ था उसका एनालिसिस को आप लोग देखे थे, उससे कुछ हेल्प हुआ आज के, उससे कुछ हेल्प हुआ आज एग्जाम देकर निकले, वो बोला था कि स्टैटिक जीके पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, लेकिन स्टैटिक जीके ध्यान दिए तो आज ज्यादा समझ में आया एग्जाम में, ठीक है, और अभी भी बोलते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट में आएगा एग्जाम जिसका वो ज्यादा स्टैटिक जीके पर ही ज्यादा ध्यान, कितनों पढ़ के उसी में ज्यादा फायदा है, कितनों आप नो स्ट्रेट फॉरवर्ड को पढ़ के जाइएगा तो कटअप जो रहेगा वो थोड़े पार करिएगा, वो जो मिसाइल वाला क्वेश्चन है उसको 5 को दागिएगा तबे होगा, समझे, 2-4-5 को ऐसा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को नहीं बता पाता डिस्कशन में, समझे, जैसे अगर एरिया से जैसे क्वेश्चन पूछा उस तरह का 5-7 को नॉर्मल क्वेश्चन तो सब लेता है, सिलेक्शन जो दिलाएगा मिसाइल वाला क्वेश्चन दिलाएगा उस टाइप का क्वेश्चन, और मिसाइल वाला क्वेश्चन बाहर बता ही नहीं पाता, नहीं बता, हम आपको 2-4 क्वेश्चन बोले ना, जैसे वो वाला 1916 जो गांधी वाला था, अच्छा 1916 गांधी इतना कंफर्म है कि 1902 में घाना पक्षी विहार
क्या केवला दे घाना पक्षी विहार जो है ना अभ्यारण वो राजस्थान होगा। और मदन मोहन मालवीय जो था, देखिए पहले मदन वो जो बनारस कॉलेज है, पहले कॉलेज नहीं था, पहले एनी बेसेंट था, हो सकता है उसे पूछ सके नेक्स्ट सेशन में कि वो स्कूल पहले था, तो स्कूल का जो स्थापना किया था एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट वाला जो था उसको कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया 1915 में 16 में मदन मोहन मालवीय। उसी दौरान गांधी जी पहला अधिवेशन कलकत्ता में भाग लिए थे 1902 में, पहली बार 1902 में, और 1916 में दूसरा बार लिए थे जिसमें क्या कहते हैं बनारस में जो हुआ था अमिकाचरण मजमूदार उसका अध्यक्ष था, जिसमें हिंदू मुस्लिम धर्म दल लड़ मत सब एक ही मंच पे आ गया था। अरे ये भी एक क्वेश्चन था कि 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था तो उसमें बोल किसने भाग लिया, मुस्लिम लीग एक से ब्रांच पे आ गया धर्म दल को लेकर। अगर हो सकता है इसमें नेक्स्ट बार पूछ ले आपको कि उसको एक मंच पे, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के पावरफुल प्रयास से एक मंच पे आ गया, और उसके बाद 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट कर लिया कांग्रेस का अध्यक्ष, पहली बार महिला। गांधी जी 1915 में आए थे, किस देश से आए थे? साउथ अफ्रीका। गांधी जी को बड़ा ध्यान में रखा जा रहा है आज के। गांधी जी से रिलेटेड तीन क्वेश्चन था। एक पहले बाहर से आके कहाँ से दिए थे और गांधी जी से मतलब कि क्वेश्चन आ रहा है। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर उदय दिया था, छोटका डेट आप पूछ लिया था 24 अक्टूबर 1945 मेन हटन द्वीप 51 देश 50 देश 51वां देश था, लास्ट में भाग लिया था। ठीक है, हो सकता है अभी उसमें टोटल कितना सदस्य पूछ ले 193 लास्ट का देश दक्षिणी सूडान। ठीक है, उसका मुख्यालय पूछ ले न्यूयॉर्क है मेन हटन द्वीप पर, हो सकता है उसका स्थापना पूछ ले कौन पूछा था किया था, तो उसका किया था ये क्या नाम है, यूएनओ को ये स्टेटमेंट किसने दिया, बहुत टफ था। अब बताइए आपको लग रहा है बोला कि यूएनओ जो गठन है उसमें बोला गया कि ये मतलब हाँ जो तबाही से ना कि भगवान से नहीं बचाएगा, बोर्ड से नहीं बचाएगा, तबाही से बचाएगा। इससे मान लिया अभी कोरोना हो गया सपोज, तो कहना चाह रहा है इस सबसे जो बचाता इस तरह का स्टेटमेंट कौन दिया था हमको भी नहीं पता। क्वेश्चन ऐसा पहली बार हमको मिला था, ऐसा आज कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा भार्ड नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो है हो सकता है 500 क्वेश्चन वही डिसाइड करे, लेकिन 90 अटेम्प्ट करने वाला नहीं है, जो अगर बोले 90 ना वो हमसे सलाह मिलवाइए, 5 क्वेश्चन और यही गलती कराते हैं, गलती किया होगा ये तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैथ जो है ना ऐसा नहीं कि जान नहीं रहते, जान रहते लेकिन टाइम के वजह से छोड़ना पड़ा। तो क्या स्टूडेंट्स आने वाले स्टूडेंट ऐसा क्या करे कि वो टाइम को मैनेज कर पाए? सीधा सीधे पजल का क्वेश्चन रहे, क्योंकि पजल अगर क्वेश्चन एक पजल में 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे तो आदमी 2 मिनट समय दे। पजल का क्वेश्चन एक पूछता रहे, सिंगल क्वेश्चन पूछता, दो क्वेश्चन को पहला अटेम्प्ट पढ़े ही ना हो, सीधे स्किप करे भाग जाएगा, टाइम बचे तो फिर मरिए उसी में। लेकिन उम्मीद कम ही है कि बचे, क्योंकि कुछ कुछ मैथ जो है ना वो टाइम ले रहा है, समझे? आज टाइम एंड डिस्टेंस से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया, एलसीएम एससीएफ से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। एलसीएम एससीएफ से अगर हम ओवरऑल बताते हैं, एक लाइन में अगर ओवरऑल बताते हैं तो थोड़ा दूर रखिए, एलसीएम एससीएफ से कम से कम 3 से क्वेश्चन लगभग पकड़ लीजिए, 3 से 4 क्वेशन पकड़ लिया। टाइम एंड डिस्टेंस कम से कम 2 क्वेश्चन पकड़ लीजिए, टाइम एंड वर्क से कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पकड़ लीजिए। अच्छा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, सीधा सीधी था थेल्स पर में से, कितना सवाल होगा इसका? सीधा सीधे जैसा था ना जी, 4×4 = 17 उठा दे 117, तो 4×16 4×8 17 से डिवाइड कर भाई, कितना बार जा रहे? 5 बार ने कितने 4 बार जीते, और जितना भी 17×4 = 68 मैंने 4.8 आंसर आ गया, 4.8 का कुछ होगा, 4.8 इसका आंसर होगा, बक दीजिएगा सही सारे, तो 4.8 इसका आंसर भी है। तो ये क्वेश्चन था। हां अच्छा, उसके बाद हां एक और क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन क्या था मालूम है? हाइट एंड डिस्टेंस से सुनिए क्वेश्चन को, थोड़ा मेमोराइज करना है, स्पीड में क्या है, मैं ये कट कर दो ना, ऐसा देखिए 45 डिग्री पर था यह क्वेश्चन था।